हेलो फ्रेंड्स, वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू एंड वेलकम। दोस्तों, यदि आप बिहार डीएलएड फेस टू फेस एग्जाम 2021 के प्रथम सेमेस्टर या फिर द्वितीय सेमेस्टर परीक्षा में शामिल होने वाले हैं, या फिर आप आगे आने वाले समय में बिहार डीएलएड में एडमिशन लेने वाले हैं, तो ये वीडियो आपके लिए है और इस वीडियो को आपको कंप्लीट देखना चाहिए, क्योंकि इस वीडियो में हम आपको बताएंगे बिहार शिक्षा विभाग द्वारा बिहार डीएलएड फेस टू फेस एग्जाम के लिए नया पैटर्न और सिलेबस जारी किया है। तो मार्केट में अभी नया पैटर्न और सिलेबस पर पूर्णता आधारित बेस्ट बुक कौन सा है, जिसे पढ़कर आप प्रथम सेमेस्टर और द्वितीय सेमेस्टर के परीक्षा में 85% प्लस पक्का स्कोर कैसे कर सकते हैं। सभी को भली भांति पता है कि बिहार डीएलएड सेमेस्टर परीक्षा का मार्क्स आपके लिए कितना ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, और यही मार्क्स आपके मकसद को पूरा करेगा, यानी कि बिहार शिक्षक भर्ती के लिए अभी जो मेरिट लिस्ट तैयार होती है उसमें मैट्रिक, इंटर और डीएलएड सेमेस्टर परीक्षा में प्राप्त अंक के आधार पर मैरिट लिस्ट तैयार की जाती है। अगर आपका 1% भी मार्क्स अगर एवरेज परसेंटेज में बढ़ जाता है तो आप लगभग 500 स्टूडेंट को पीछे छोड़ सकते हैं। तो ऐसे में आपका मेरिट लिस्ट में नाम टॉप पोजीशन पर आएगा, तो ऐसे में आपका चांस बढ़ जाता है कि आपका जो मकसद है बिहार शिक्षक बनने का वो पूरा हो जाएगा। तो दोस्तों, इस पर हम आपको बताएंगे कि इसके लिए बेस्ट बुक आपके लिए कौन सा रहेगा और यही बुक आपको क्यों पढ़नी चाहिए। साथ ही साथ दोस्तों, बिहार डीएलएड में कॉपी कैसे लिखें, 15 टिप्स हम आपको बताए थे, जिसमें हम आपको ये बताए कि अगर आप इतने को फॉलो करते हैं तो 85% प्लस स्कोर कर सकते हैं, जिस पर आप सभी का काफ़ी ज़्यादा अच्छा रिस्पॉन्स रहा है और आप सभी का प्यार और सपोर्ट बहुत ही अच्छा रहा है। अगर आपका इस वीडियो पर भी इस तरह से प्यार और रिस्पॉन्स रहता है तो आगे आने वाले समय में हम इसी तरह का वीडियो आपके लिए लाते रहेंगे। तो दोस्तों, आप सभी को इस वीडियो को कंप्लीट देखना है और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा। वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किए तो लाइक कर लीजिए। चैनल पर नए हैं तो इस तरह का वीडियो पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए, क्योंकि इस तरह का वीडियो आगे आप सभी को अब लगातार मिलती रहेगी। तो चलिए शुरू से शुरू करते हैं। आप सभी से फिर से रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिए, काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल है ये वीडियो आपके लिए, और YouTube पर इस तरह का वीडियो बहुत ही कम देखने को मिलेगा और हम खुद भी इस तरह का वीडियो बहुत कम बनाते हैं, तो इसलिए आप सभी इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट कीजिए। तो दोस्तों, ये रहा आपका बिहार शिक्षा विभाग द्वारा जारी किया गया बिहार डीएलएड फेस टू फेस एग्जाम के लिए नया पैटर्न और सिलेबस का कंप्लीट पीडीएफ, जिसमें सभी विषयों के एक एक टॉपिक को क्लियर किया गया है कि कौन कौन सा टॉपिक इसमें शामिल किया गया है। हम इस पीडीएफ को कंप्लीट पढ़ चुके हैं और समझ चुके हैं कि कौन कौन सा टॉपिक इसमें शामिल किया गया है। यहाँ पर बात करें तो बिहार डीएलएड फेस टू फेस एग्जाम के प्रथम सेमेस्टर में 1000 का एग्जाम होता है, जिसमें 430 नंबर का इंटरनल एग्जाम और 570 नंबर का एक्सटर्नल एग्जाम होता है। और सेकेंड ईयर की बात करें तो यहाँ पर 1000 का सेकेंड ईयर का भी एग्जाम होता है, जिसमें यहाँ पर बताया गया कि 545 नंबर का द्वितीय सेमेस्टर में इंटरनल एग्जाम, जबकि 455 नंबर का मात्र एक्सटर्नल एग्जाम होता है जो बिहार बोर्ड द्वारा आयोजित कराई जाती है। तो दोस्तों, आप इस पीडीएफ को डाउनलोड करके एक बार खुद से जरूर रीड कर लीजिए। अब समझ लेते हैं कि इस नया पैटर्न और सिलेबस पर कंप्लीट 100% आधारित मार्केट में नया बुक कौन सा आया है जो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल है। तो दोस्तों, ये रहा आपका श्री विनोद पुस्तक मंदिर पब्लिकेशन का बिहार डीएलएड के नया सिलेबस और पैटर्न पर आधारित सबसे बेस्ट बुक, जो मार्केट में अभी अभी आ रहा है और पहली बार मार्केट में कोई पब्लिकेशन बिहार डीएलएड फेस टू फेस एग्जाम के लिए बुक रिलीज किया है। नहीं तो आपको मार्केट में गाइड और गैस पेपर ही मिलेगा, बुक नहीं मिलेगा। ये कंप्लीट रूप से बुक है जो लिखा गया है डॉक्टर नेत्रा रावणकर के द्वारा। अगर आप इस बुक को पढ़ते हैं तो 100 में 100 क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर सकते हैं। अगर आपके पास समय है, अगर आप इस बुक को पढ़ने में समय दे सकते हैं तो ही आप इस बुक को परचेज कीजिए, क्योंकि अगर आप बुक लेते हैं और इस बुक को पढ़ने में आप समय नहीं देते हैं तो ये बुक आपके लिए नहीं है। अगर आपके पास अभी 5 से 6 महीने का समय है, क्योंकि
बिहार डीएलएड का एग्जाम नवंबर दिसंबर तक में होगा, जब तक लॉकडाउन है तब तक कोई भी एग्जाम संभव नहीं है। इतने समय में आप इस बुक को पढ़कर बिहार डीएलएड फेस टू फेस एग्जाम के लिए अच्छे से तैयारी कर सकते हैं। अब यहाँ पर समझ लेते हैं, जो बिहार शिक्षा विभाग के द्वारा जो सिलेबस जारी किया गया है वो सिलेबस ये है, जबकि इस बुक का सिलेबस डिटेल देखेंगे तो वो नीचे है, वो भी हम आपको दिखाएंगे। यहाँ पर देख लीजिए, पाठ्यक्रम में जो सिलेबस है इसको 5 भागों में बांटा गया है। ये F1 है, ठीक ना, ये F1 बुक है। इस फर्स्ट सेमेस्टर में टोटल 12 बुक है, तो 12 बुक में ये पहला बुक का हम आपको PDF दिखा रहे हैं। पहला बुक के कंप्लीट सब्जेक्ट को जो है यहाँ पर 5 भाग में बांटा गया है, इकाई 1, इकाई 2, इकाई 3, इकाई 4, इकाई 5 में। इकाई 1 की बात करें तो पहला जो टॉपिक है आपका बच्चे तथा बचपन, दूसरा टॉपिक है आपका समाजीकरण की समझ। लेकिन जब इस बुक के सिलेबस को देखेंगे, बुक में क्या क्या मेंशन किया गया है तो इसे आप देख लीजिए। इकाई 1 है आपका बच्चे, बचपन और समाज। अब यहाँ पर देखिए, जो पहला टॉपिक आपका था बचपन और बच्चे, इस तरह से है। अब इस टॉपिक के अंदर जो सब टॉपिक है उसे डिटेल में क्लियर किया गया, ऐसा नहीं कि मेन टॉपिक को क्लियर करके आगे निकल गया है, नहीं। अब इस टॉपिक में कितने सारे छोटे छोटे टॉपिक को ऐड किया गया है आप देख सकते हैं, जो डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाता है, पूछा जाएगा आपसे कि बच्चे के विकास के लिए परिवार की मुख्य भूमिका क्या है, मुख्य विशेषताएं क्या है, बच्चे के विकास में परिवार का क्या योगदान है, या बाल विकास पर परिवार का प्रभाव क्या पड़ता है। तो इस तरह से डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाता है, जो हम पिछले साल क्वेश्चन सजेस्ट किए थे, 100 में 100 क्वेश्चन तो नहीं कह सकते हैं, लेकिन आपको पर सब्जेक्ट 3 से 4 क्वेश्चन डायरेक्ट लड़ा था। तो इसलिए हम आपको यहाँ पर सजेस्ट कर सकते हैं कि आपके लिए बेस्ट बुक कौन सा है, क्योंकि हम भी खुद डीएलएड का कई बार एग्ज़ाम दे चुके हैं, यानी कि जब से आयोजित हुआ है पहला सेमेस्टर का, द्वितीय सेमेस्टर का, दो दो बार हम एग्ज़ाम दे चुके हैं। तो इसलिए हम आपको बता सकते हैं कि ये बुक आपके लिए काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल है। अब यहाँ पर देखेंगे कि आपका पहला इकाई क्लियर हुआ, अब आपका यहाँ पर विद्यालय और समाजीकरण है, ये आपका मेन टॉपिक है दूसरा इकाई में। और दूसरा इकाई में आप देखेंगे जो आपका मेन टॉपिक है, इस टॉपिक के अंदर जितने भी सब टॉपिक है, छोटे छोटे टॉपिक हैं, उसको भी क्लियर किया गया है। इसलिए अगर आप इस बुक को पढ़ते हैं तो एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा। हाँ, लेकिन अगर आप इस बुक पर समय नहीं देना चाहते हैं, आप चाहते हैं कि शॉर्टकट में काम निकाल लें, तो ये बुक आपके लिए नहीं है। आप कोई मार्केट में बहुत सारा पब्लिकेशन का गैस पेपर मिल जाएगा, गाइड मिल जाएगा, वो ले लीजिए और अच्छे से पढ़िए, उससे भी आप जो है 75% प्लस स्कोर कर सकते हैं। लेकिन अगर आपको डीएलएड के सेमेस्टर परीक्षा में अच्छे अंक प्राप्त करने हैं तो निश्चित रूप से आपको बुक पढ़ना चाहिए, क्योंकि बुक में सभी टॉपिक को क्लियर किया जाता है। अब यहाँ पर जैसे ही नीचे आते हैं तो ये आपका अभी सिलेबस ही है। अब यहाँ से देखिए कि आपका पहला अध्याय शुरू होता है इकाई 1 में बच्चे, बचपन और समाज। अब इसमें जितने भी टॉपिक हैं और सब टॉपिक हैं, वो सारे टॉपिक और सब टॉपिक को नोट्स की तरह क्लियर किया गया है। जैसे कि यहाँ पर हम मध्यम वर्ग में बचपन के बारे में पढ़ रहे हैं, तो यहाँ पर देखेंगे कि एक एक करके जो है लाइन, जो हम नोट्स तैयार करते हैं, उस तरह से यहाँ पर दिया गया है। अगर आप इसका PDF खुद से डाउनलोड करके पढ़ना चाहते हैं तो इसका भी लिंक हम आपको डिस्क्रिप्शन में दे देंगे। तो दोस्तों, यहाँ पर हम आ जाते हैं लास्ट पेज में, और यहाँ पर आप देख सकेंगे कि प्रथम सेमेस्टर में जो 12 सब्जेक्ट है, इसमें कौन कौन से सब्जेक्ट शामिल है उसका लिस्ट आपको मिल जाएगा। यहाँ पर आपको F1, F2, F3 करके देखने को नहीं मिलेगा, BR001, BR002, BR003 इस तरह से आपको देखने को मिलेगा। और ये बिल्कुल नया सिलेबस और पैटर्न पर आधारित है। अगर आपको सेमेस्टर परीक्षा में अच्छे अंक प्राप्त करने हैं तो निश्चित रूप से आपको नवीनतम पाठ्यक्रम पर आधारित बुक ही पढ़नी चाहिए, और ये कंप्लीट आधारित है। अब दोस्तों, बात कर लेते हैं कि इस बुक को आप कहाँ से परचेज करेंगे और कितना प्राइस आपको पड़ेगा। जैसे ही आप डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर क्लिक करते हैं, आप इस पेज पर आ जाएंगे। यहाँ पर आप सभी देख सकेंगे कि बिहार डीएलएड प्रथम सेमेस्टर के टोटल 12 सब्जेक्ट का प्राइस 1499 रुपया आ रहा है। चूँकि ये बुक है तो यहाँ पर इसका प्राइस आपको ज़्यादा ही लगेगा,
अगर आप कोई गैस पेपर या फिर गाइड को परचेज करते हैं तो 799-699 रुपये तक में हो जाएगा। बहुत से पब्लिकेशन का मार्केट में आया हुआ है। अगर आपको अच्छी तैयारी करनी है तो आप इस बुक को परचेज कीजिए, क्योंकि आगे आने वाले समय में जब आप सीटेट का तैयारी करेंगे तो उसमें भी आपको ये बुक काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल रहेगा। अगर आप इस बुक को अच्छे से पढ़ लेते हैं तो सीटेट का एग्ज़ाम आप डायरेक्ट ही क्लियर कर सकते हैं। इसके लिए आपको कोई अलग से बुक खरीदने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। साथ ही साथ अगर आप बिहार डीलेट सेकेंड सेमेस्टर के अभ्यर्थी हैं तो सेकेंड सेमेस्टर के टोटल 8 सब्जेक्ट का प्राइस यहां पर 699 रुपया पड़ेगा। तो आप इसे जो है परचेज करके अच्छे तैयारी कर सकते हैं। अगर आप कोई गैस पेपर लीजिएगा तो गैस पेपर का भी लगभग इतना ही प्राइस आपको पड़ेगा। अगर आप इसे अमेजन से परचेज करना चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, अगर आप वहां क्लिक कीजिएगा तो आप इस पेज पर आ जाएंगे। यहां पर आपको प्राइस ज़्यादा लगेगा, 1680 रुपया के आसपास। तो आप कोशिश कीजिए कि फ्लिपकार्ट से ही ऑर्डर कर ले। मार्केट में अभी अवेलेबल नहीं हुआ है, बहुत कम जगह अवेलेबल हुआ है। जैसे ही बुक स्टोर में आ जाती है तो वहाँ पर आपको इस प्राइस से सस्ती प्राइस में ये बुक आपको देखने को मिल जाएगा। लेकिन अभी के समय आपको तैयारी करनी है तो निश्चित रूप से आप इसे फ्लिपकार्ट से ऑर्डर कर लीजिए। और अभी आपके पास समय भी है, समय रहते हुए अगर आप अच्छे तैयारी कर लेते हैं तो आपके भविष्य के लिए काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल रहेगा। दोस्तों, अधिक जानकारी के लिए जैसे ही आप YouTube में सर्च करेंगे बिहार डीएलएड फेस टू फेस एग्जाम कोसी स्टडी, तो आपको जो है बहुत सारे वीडियो देखने को मिल जाएगा, जिसमें आपको प्रीवियस ईयर्स का क्वेश्चन पेपर सजेशन और भी साथ में सिलेबस, साथ ही साथ कॉपी कैसे लिखें 15 टिप्स बताए हैं, जिससे आप फॉलो करके अच्छे मार्क्स प्राप्त कर सकते हैं। तो आप जो है ज़रूर विजिट कीजिए, और यहाँ पर ढेर सारी जानकारी यहाँ पर हम अवेलेबल करा चुके हैं। अगर आप सिलेबस का पीडीएफ या फिर और भी तरह का पीडीएफ डाउनलोड करना चाहते हैं, जैसे कि प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन पेपर, तो यहाँ पर आपको kosistudy.com पर विजिट करनी है। यहाँ पर देखेंगे कि गूगल भी सजेस्ट कर रहा है कि kosistudy.com पर आप विजिट कीजिए, तो इस तरह से आप जो है और भी जानकारी को प्राप्त कर सकते हैं। जैसे ही हम यहाँ पर क्लिक किए हैं, आप देखेंगे कि बिहार डीलेड के लिए kosistudy.com नंबर 1 पर है। तो यहाँ पर प्रीवियस ईयर्स का क्वेश्चन पेपर, साथ ही साथ यहाँ पर सेट प्रैक्टिस भी बहुत सारा डीएलएड इंट्रेंस एग्जाम के लिए भी अवेलेबल है, तो आप यहाँ से डाउनलोड कर सकेंगे। तो पीडीएफ जो है आप यहाँ से प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन पेपर का डाउनलोड कर सकते हैं, जो यहाँ पर अपलोड कर दिया गया है, तो आप यहाँ से भी जो है कुछ हेल्प ले सकते हैं। अगर आपको इस तरह का लगातार वीडियो चाहिए तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अगर कोई और भी डाउट है तो आप वो भी कमेंट बॉक्स में डाल दीजिए। अगर इस तरह का वीडियो लगातार पाना चाहते हैं तो निश्चित रूप से इस वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए, और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।